चैनल इंडियन रेसिपीज़ बाय मीरा गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चटपटा मसालेदार लहसुन का अचार बनाएंगे। लहसुन का अचार, लहसुन से बना चटपटा और टेस्टी अचार खाने को स्वाद बढ़ा देता है। यह बनाना बहुत आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। हमने 125 ग्राम लहसुन लिए, इसे हमने छील लिया है। पहले पानी में भिगोकर इसे छील लिया और उसके बाद में हमने इसे धूप में सुखा दिया 1 घंटे में। 200 ग्राम हमने अमिया लिए कच्ची, जिसको हमने घिस के कद्दूकस करा हुआ है। राई 1/2 चम्मच, ये मेथी हमने भूज कर पीसी हुई है, ये हमने 1/2 चम्मच लिए। हल्दी 1/2 चम्मच, 3 चम्मच हमने नमक लिया है, स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। कलौंजी 1/4 चम्मच, सौंफ हमने 2 चम्मच लिए, ये भूंज के पीसी हुई है। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच में अजवाइन ली है और 1 बड़ा स्पून हमने सरसों का तेल लिया। 2-3 चम्मच हम सिरका डालेंगे। अब हम तेल गरम करेंगे, हम गैस जलाएंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। मेथी हमारी भुजी हुई थी, ये डालेंगे। सौंफ डाल देंगे, करौंजी डाल देंगे। हमने मसाला पहले भूज के रखा था, इसलिए हम अब हल्के ठंडे में ही मिला देंगे। हम घिसके रखा है कच्चा, ये हम इसमें मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें लहसुन मिला देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें 2-3 चम्मच सिरका डाल देंगे। एक टेबल स्पून लिया हमने, ये 2-3 चम्मच हम सिरका डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 4-5 दिन धूप में रखेंगे। ये अचार हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। कंटेनर में ही भर सकते हैं, पर बाउल में हमें चलाने में सुविधा रहेगी। हम 4-5 दिन इसे धूप में रख के चलाना भी, तो हम इसे अभी बाउल में ही डालेंगे। पाँच छः दिन धूप में रखेंगे, इसमें जो मसाला है लहसुन में अच्छी तरह से भिग जाए और इसे हम बराबर ऊपर नीचे करते रहेंगे 4-5 दिन। 1 हफ्ते के बाद इसे हम कंटेनर में भरेंगे। इसी कपड़े से बांधकर 4-5 दिन हम धूप में रखेंगे और इसे हिलाते रहेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब लहसुन का अचार तैयार है। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।